9.3.1 बहुपरमाणुक आयन वाले यौगिकों के रासायनिक सूत्र। हम अब एक विशेष आड़ा तिरछा पद्धति क्रिस क्रॉस मेथड के अनुसार आयनों पर उपस्थित आवेश अथवा संयोजकता का उपयोग करते हुए रासायनिक सूत्र लिखेंगे। रासायनिक सूत्र लिखते समय इन चरणों का पालन किया जाता है। उदाहरण अमोनियम कार्बोनेट। 1. सबसे पहले संगठक आयनों के प्रतीक सूत्र लिखे जाते हैं। साधारणतः धनात्मक भाग का प्रतीक सूत्र बाईं ओर तथा ऋणात्मक भाग का प्रतीक दाईं ओर लिखते हैं। NH4CO3. 2. संगठक आयनों की संयोजकताएं उनके नीचे लिखी जाती हैं। प्रतीक सूत्र NH4CO3. संयोजकता 1, 2। 3. आयनों की संयोजकताओं को आड़ा तिरछा करके यौगिक में उनका अनुपात ज्ञात किया जाता है। प्रतीक सूत्र NH4CO3 संयोजकता 1, 2। अमोनियम कार्बोनेट में अमोनियम का अनुपात 2 तथा कार्बोनेट का अनुपात 1 होगा। 4. बहुपरमाणुक आयन को पहले कोष्टक में रखते हैं, तत्पश्चात अनुपातों को दर्शाने वाली संख्या को पादांक के रूप में लिखते हैं। यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्टक की आवश्यकता नहीं होती, साथ ही 1 अंक को भी नहीं लिखा जाता। NH4 होल ट्वाइस CO3। अतः अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र NH4 होल ट्वाइस CO3 है। आइए कुछ अन्य उदाहरणों से इसे और समझें। सोडियम नाइट्रेट, प्रतीक सूत्र NaNO3, संयोजकता 1, 1, अतः सूत्र NaNO3। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, प्रतीक सूत्र MgOH, संयोजकता 2, 1, अतः सूत्र Mg होल ट्वाइस। अमोनियम फॉस्फेट, प्रतीक सूत्र NH4PO4, संयोजकता 1, 3, अतः सूत्र NH4 होल थ्राइस PO4। सोडियम सल्फेट, प्रतीक सूत्र NaSO4, संयोजकता 1, 2, अतः सूत्र Na2SO4। कैल्शियम सल्फेट, प्रतीक सूत्र CaSO4, संयोजकता 2, 2, अतः सूत्र CaSO4। जब सूत्र में दोनों आयनों पर आवेश समान हो तो हम सूत्र को सरलीकृत करते हैं, इसलिए यहाँ पर सूत्र Ca2SO4 होल ट्वाइस को CaSO4 के रूप में सरलीकृत करते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट, प्रतीक सूत्र AlSO4, संयोजकता 3, 2, सूत्र Al2SO4 होल थ्राइस।